गांधी जी का ये बड़ा सा स्टेचू कुछ इस तरह से का लग रहा है यहाँ पे। चलिए करीब चलकर देखते हैं क्या है, कैसा लगता है। इतना बड़ा स्टैचू है कि कैमरे में पूरा नहीं आ रहा। '17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो वहाँ की इमेजेस यहाँ पे प्लेस की गई है। गांधी जी जो है भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है, हिंदी में लिखा गया है। इस पैनल में गांधी जी चंपारण की जनता को संबोधित करते दिखाए गए हैं। अहिंसात्मक तरीके से बिना खून खराबे के नीले साहबों और जमींदार खेत मालिकों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ अपनी अपनी कमजोरियों, अशिक्षा, अंधविश्वास से छुटकारा पाने और स्वच्छ एवं साफ सुथरी ज़िंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, ये बात है यहाँ पे, लोगों को जो है स्वच्छ और साफ सुथरी ज़िंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं गांधी जी। उसके बाद जमींदार जो है, मालिक जो है, खेतों में जो अत्याचार कर रहे थे उनके लिए, उनके खिलाफ संघर्ष करने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो अगस्त की जो क्रांति थी 1942 की, उसके इमेजेस को दिखाया गया है। महात्मा गांधी जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्रांति का पूरा है इनकलाब जिंदाबाद वाला नारा, पूरे के पूरे क्रांति का ये इमेज को यहाँ पे बनाया गया है। और नीचे लिखा है इस पैनल में, अंग्रेज़ों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों की लूट, भारतीयों पर उनके द्वारा किए गए दमन और अत्याचार के विरोध में भारतीयों का हिंसक और अहिंसक प्रतिकार दर्शाया गया है। जो दोनों तरह का जो आंदोलन था, हिंसक आंदोलन और अहिंसक आंदोलन, दोनों तरह के आंदोलनों का इमेज जो है यहाँ पर दिखाया गया है। इस इमेज में जो है नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, दांडी में जो मार्च हुआ था नमक सत्याग्रह का 1930 में, उसमें जो है इस इमेज को दिखाया गया है। गांधी जी यहाँ पर जो है नमक उठाते हुए दिखाई दे रहे इस इमेज में। इस पैनल में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ दांडी में नमक उठाते दिखाए गए हैं, है ना। गांधी जी यहाँ पर नमक उठाते हुए दिखाए गए, ये सारे कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं गांधी जी के साथ। और ये बड़ा सा गांधी जी की स्टैचू है। इस पैनल में जो है चरखा खादी स्वावलंबन की प्रतीक, स्वतंत्रता संग्राम की वर्दी, है ना। चरखे से बनाए गए कपड़े को गांधी जी पहनने की सलाह दे रहे थे लोगों को। अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में बने कपड़ों को छोड़कर आप अपने कपड़े बनाएं चरखे में, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। और नीचे लिखा हुआ है इस पैनल में, तकली और परंपरागत तरीके से सूत काटते गांव के लोगों के साथ गांधी जी चरखा चलाते नज़र आ रहे हैं, है ना। परंपरागत तरीके से तकली और पैनल में, अच्छा इस पैनल में तकली के वजह से शायद। चलिए, तो ये था चारों पांचों साइड में गांधी जी के स्टैचू का, स्टैचू के नीचे बेस पे ये बना हुआ है। और ये चारों तरफ जो है पार्क है।
चारों कोने में जो है कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, जहाँ पे शायद नारियल या ताड़ का पेड़ था, अब काट दिया गया है वो पेड़ को, है ना। कुछ इस तरह का चारों कोने में बनाया गया स्टेचू के चारों कोने। वहाँ भी है एक, उस साइड भी है और एक इस स्टेचू के पीछे। तो इसमें अगर पेड़ रहता, काटा नहीं गया होता, तो बहुत खूबसूरत लगता। शायद पेड़ बहुत बड़ा हो गया होगा इस वजह से। और यहाँ पे जो है उनके बगल से एरोप्लेन उड़ते हुए नज़र आ रही है। इस तरह की हाई पावर वाले लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ताकि इस लाइट्स की वजह से रात को जो है स्टेचू पे रोशनी जाए। वहाँ पे इसी तरह से हर तरफ लाइट लगी हुई है, वहाँ भी लगे हुए हैं चारों कोने में। शाम हो गई है, अब निकलना है गांधी मैदान से। पीयूष भाई आए थे, एक है फ्रेंड कटिहार का, उनसे मिले, वो लोग चले गए, अब हम निकल रहे हैं गांधी मैदान गेट नंबर 1 से निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे पटना जंक्शन। इधर पूरा का पूरा गांधी मैदान है। मुझे तो लगता है कि 1 किलोमीटर की लंबाई होगी यहाँ से लेके वहाँ तक। चलिए करते हैं। यहाँ से मिले मुझे मिलेगी बस, और बस से चलेंगे। यहाँ पे SBI का ई कॉर्नर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होता होगा ई कॉर्नर में। जंक्शन जंक्शन बेटा है बेटा करो लाना कोर काटना जंक्शन।